अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ एसएनजे आज आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। और एज़ यूजुअल बहुत सिंपल और इजी तरीके से, थोड़ी लेंथी ज़रूर होगी क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत डलते हैं, इंग्रेडिएंट्स की वजह से आपको थोड़ी लेंथी लगेगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल और ईजी वे में आपको सिखाऊँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी नाज़रीन, तो हम आपको चपली कबाब बनाना सिखा रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने कीमा लिया है और आप कीमे में देख सकते हैं कि चिकना भी मौजूद है, ये इसमें चिकना है। चपली कबाब हमेशा थोड़े चिकने गोश्त के ही बनते हैं। इसके अलावा जो इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें ये अनारदाना है जो मैंने कूट लिया है, और ये एक टेबल स्पून आधा किलो का है। और जब पीमा हमने 1.5 किलो लिया है, तो आप इसी हिसाब से इसको हमने 3 टेबल स्पून लिया है लेवल्ड। इसके अलावा ये कॉर्नफ्लोर है और ये 3 टीस्पून है। नमक हमने 2 टीस्पून लिया है। नमक का वैसे हिसाब ये होता है कि अगर हम आधा किलो का हिसाब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हाफ कप लेते हैं। एक टीस्पून उसके लिए मेजरमेंट बिल्कुल सही होता है हाफ केजी के लिए, लेकिन हम यहाँ क्योंकि और चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेमन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा हम अजीनोमोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ये अजीनोमोटो है, ये 1.5 टीस्पून है, यानी आधा टीस्पून हमने हाफ केजी के हिसाब से लिया। मैं आपको साथ साथ ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप आधा किलो का बनाएं, क्योंकि मैं तो ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ, लेकिन अगर आप आधा किलो बना रहे हैं तो मैं आपको आधा किलो का भी साथ साथ बताती जा रही हूँ। वैसे ये 1.5 किलो है तो इस हिसाब से ये 1.5 टीस्पून है। ये मीट टेंडराइज़र है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर कचरी अवेलेबल नहीं थी, होती है आराम से, तो मैं इसकी जगह मीट टेंडराइज़र ले रही हूँ। ये भी बहुत थोड़ी मकदार में, सिर्फ इसलिए कि ये अच्छा सॉफ्ट सा हो जाए, जूसी सा बने, वरना अक्सर चपली कबाब ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं अजवाइन है, और इसे मैं थोड़ा सा हाथ से मसल के डालूंगी। इस ये बहुत हाजिम होती है, ये ऑप्शनल है, मुझे बहुत पसंद है, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर अच्छा ना लगे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये 3 टीस्पून है लेवल्ड। गरम मसाला है 1/2 टीस्पून के हिसाब से है, और ये 1.5 टीस्पून है हमने, यानी 1/2 टीस्पून आधा किलो के लिए। लाल मिर्च हमने 1 टीस्पून जो है ली है, 1 टीस्पून मतलब लेवल्ड नहीं है, ये भर के ली है 1 टीस्पून। तो जब हम इसको हाफ पे जाएंगे तो इसको समझें आधी से थोड़ी कम होगी। इसके अलावा लाल मिर्च ली है हमने कुटी हुई, और ये जो है ये 2 टेबल स्पून भर कर है। आटा लिया है हमने 3 टेबल स्पून, ये आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं कैमरे के सामने ले आई हूँ कि ये धनिया और ज़ीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ। तो इसमें ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिया, और धनिया जो है मैंने आपको दिखा भी रही हूँ, ये देखिए ये धनिया जो है ये 2 टेबल स्पून लिया है लेवल्ड। उसी हिसाब से आप जब आधा किलो अगर बनाएं तो उसको फिर कम कर सकते हैं। ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा जो हमारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे मैं आपको करीब ला कर दिखाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, टमाटर हैं, और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्टेनर पे रखा हुआ है, और इसमें से हम पानी, हम इसका जूस निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, वरना आपका चपली कबाब ख़राब हो सकते हैं। तो इसको, और इसका गूदा हमने बिल्कुल निकाल दिया है, सिर्फ और सिर्फ हमने जो है बीज और गूदा निकाल दिया है, और हमने सॉलिड पीस हमने इसके रखे हैं। और ये 3 टमाटर हैं इस साइज़ के, ये देख सकते हैं आप, मैं इसीलिए आपको साइज़ काटने से पहले का भी दिखा रही हूँ,
इतना बड़ा। प्याज हमने 3 ली हैं इस साइज की, और ये अंडे वाली जो प्याज होती है वो काटी हुई है। इसके अलावा हरा धनिया मुझे पसंद है ज़्यादा, तो मैं डाल रही हूँ। आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, पर तकरीबन ये 1 कप के करीब है। जो टमाटर मैंने आपको बताया, ये 3 टमाटर हैं इस साइज़ के, और अगर आप हाफ के जी बनाएंगे तो यानी इसमें 1 टमाटर जाएगा इस साइज़ का। प्याज हाफ के जी में इतनी बड़ी 1 जाएगी, 1.5 किलो है तो ये 3 प्याज लिए मैंने। हरा धनिया आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा लेमन जूस है, ये 1 टेबल स्पून हाफ के जी के लिए, यानी ये हम 3 टेबल स्पून डालेंगे। हरी मिर्च मेरे पास जो थी इस वक्त अवेलेबल, ये बहुत तेज़ भी नहीं है और ये जो है अच्छे बड़े साइज़ की थी, तो ये 3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। आपके पास जो हरी मिर्चें हों आप उनको प्लीज़ अपने टेस्ट और उसके हिसाब से, क्योंकि बाज़ लोगों के घर में फीकी हरी मिर्चें आती हैं और बाज़ जो हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, तो प्लीज़ हरी मिर्चों का हिसाब मैं आपको सिर्फ जो मैं डाल रही हूँ बता रही हूँ, आप जब बनाएं तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये अंडे फटे हुए रखे हैं, और ये थोड़ा सा अंडा मैंने जिसे फेंट के, बस बिल्कुल प्लेन मैंने इसको ऐसे ही पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला, और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया। गरम था, हल्का गरम था ऑयल, और फिर मैंने उसको स्क्रम्बल किया और चूल्हा बंद कर दिया। बस ये इतना पकाया हुआ है। ये टोटल 4 अंडे हैं मेरे पास, अंडे बहुत बड़े साइज़ के थे तो मैंने 4 अंडे लिए। 2 अंडे तोड़ के उसमें से 1.5 अंडे का मैंने ये बना दिया, और फिर बाकी जो आधा अंडा था वो इन 2 अंडों के साथ, यानी ये 2.5 अंडा ये है और 1.5 अंडा ये है। तो ये है इंग्रेडिएंट। अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि इसको किस तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से मिक्स किया जाता है इसको, तो मैं वो आपको भी बताती हूँ। जी नाज़रीन, कीमे को मैं सामने ले आई हूँ। अब हम सबसे पहले इसमें सारे ड्राई जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि मेजर हुए हैं, तो मैं इसमें इसको बस सबको डालती जाऊँगी। इसको चखने का तरीका मैं आपको बताऊं। नमक मिर्च अगर आप चखना चाहें इसको जो है फ्राई करने से पहले, बाज़ लोग कच्चा गोश्त चख लेते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जो मैं तरीका इस्तेमाल करती हूँ। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमारे हैं, ये मीट टेंडराइज़र था और अजीनोमोटो, ये अनारदाना, सबसे पहले हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। ये धनिया और आटा, और ये जो अजवाइन है इसे मैं थोड़ा सा हाथ पे लेके और इस तरह मसल के डालूंगी, इस तरह इस। अब इसको ये जो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल दिए हैं, सबसे पहले हम इसमें लिक्विड में हम इसमें लेमन जूस, 3 टेबल स्पून हमने लेमन जूस डाल दिया, और इसके अलावा हम इसमें ये वाला अंडा भी शामिल कर रहे हैं। इसको हम हाथ से भी मसल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा चॉपर में घुमाऊंगी। चॉपर में घुमाने का मकसद भी बता देती हूँ कि इससे आपका जो कीमा है उसमें सारे मसाले बहुत अच्छी तरह बाइंड हो जाएंगे। उसके बाद हम टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज शामिल करेंगे, वो हम चॉपर में नहीं चलाएंगे। बाज़ लोग इसे चॉपर में भी चला देते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ, उससे फिर टमाटरों का जूस निकल आता है और प्याज भी जूसी जूसी सी हो जाती है, तो वो बेटर है कि आप उसको हाथ से बाद में मत लें। मैं अब इसको चॉपर में चला के लाती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। सिर्फ आपने चॉपर में डालना है और चॉपर को सिर्फ ऑन करना है, जब वो एक अच्छा बड़ा सा सर्कल पूरा करे तो आप बस बंद कर दीजिए। जी नाज़नीन, ये देखें इस वक्त
हमने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स और लेमन का जूस और अंडे डालकर इसको एक दफ़ा हल्के हाथ से मिक्स किया, और फिर उसके बाद मैंने इसे चॉपर डाल के एक सिर्फ सर्कल दिया उसका अच्छी तरह। जब वो बाइंडिंग नज़र आने लगी तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया। बहुत ज़्यादा ये ऑलरेडी मशीन का कीमा था, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अगर हाथ का कीमा हो या मोटा मशीन से निकला हुआ हो तो फिर आप उसको ज़रूर जो है ज़्यादा चला लें। अब हम इसमें ये चीज़ें बाकी की डालेंगे। हरा धनिया, हरा धनिया में आप देख सकते हैं कि मैं इसमें डंडियां भी डाल रही हूँ। जो लोग मेरा चैनल देखते रहते हैं उन्हें पता है कि मैं हरा धनिया की डंडियां अपनी चीज़ों में ज़रूर शामिल करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे से चख सकते हैं। चखने का तरीका मैं आपको बता दूँ, कच्चा खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये आप इस तरह करके एक छोटा सा पीस को इस तरह दबा कर और इसको फ्राई पैन में फ्राई करके चख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत, मतलब इजाफा करना है कि नहीं। अंडा, प्याज, और ये टमाटर जिन्हें हमने स्ट्रेनर पर रखा हुआ था, और इसे और अच्छी तरह हम इसे थोड़ा सा दबा लेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी भी हो तो वो निकल जाए। देखें, दबाने से आप देख सकते हैं इसमें पानी टपकता हुआ फील भी हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, हमें इसमें पानी नहीं चाहिए, वरना इससे फिर टमाटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं और वो कबाबों का मज़ा ख़राब कर। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जी नाज़रीन, मैंने सब मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें थोड़ा सा पानी मैंने एक कटोरी में ले लिया है, और इसमें मैं इसको आपको दूँ, इसमें मैं इस तरह हाथ को डिप करके और अपनी हथेली को भी गीला कर लूँगी। हाथ बहुत साफ़ होने चाहिए आपके इस उस वक्त। अच्छा, अब ये आप पे डिपेंड करता है आपको साइज़ क्या चाहिए, क्योंकि ये टोटली आपके अपने ऊपर होता है। वैसे चपली कबाब बड़े बड़े ही बनते हैं। ये देखिए, ये मोस्टली हम इसको इस तरह, बहुत पतले ना कीजिएगा, बहुत मोटे भी ना रखिएगा, क्योंकि ये जब तले जाते हैं तो ये थोड़े से उस वक्त सुकड़ते हैं, तो ये और मोटे भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत मोटे कर देंगे तो जो है ये बहुत ज़्यादा फ्राई होते वक्त बहुत मोटे हो जाएंगे, और अगर आप इसे पतले कर देंगे तो ये फ्राई होते हुए टूट जाएंगे। इसी तरह हम इस तरह आप इसका इतना बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं। ये देखें, एक आपको ये दिखा देती हूँ, ऐसे मैं इतने बड़े बनाऊंगी नहीं। ये देखिए, ये इस तरह हथेली के साइज़ के भी बनते हैं। ये देखिए, ये इस साइज़ के भी बनते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। ये जो मर्द हजरात बनाते हैं बड़े बड़े हाथों के साथ, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं बनिस्बत हम लेडीज़ के लिए। और ये थोड़े अगर फट भी रहे हो तो कोई मसला नहीं होता, ये ऐसे ही होते हैं। ये देखिए, प्रोफेशनली अगर आप बाहर जाके खाएंगे तो वो आपको इतने बड़े बड़े ही कबाब देंगे, लेकिन बहरहाल ये तो मैं आपको दिखा रही थी, इसके लिए मैं इतना ही, ये देखिए इतना, जैसे ये एक कप की इसमें आ जाए इतना बड़ा लें, ज़्यादा बेहतर है, हैंडल करना भी आसान होता है। ये आप देख सकते हैं अंडा को जो हमने थोड़ा सा फेंट के डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। ये देखिए, इसी तरह मैं सारे कबाब फ्राई बना लूँगी, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए ना, मैं इसको फ्राई पे रख रही हूँ, और हमें इसको तेज़ आंच पे, आंच में खासी तेज़ है, और तेल क्योंकि पका हुआ है तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है, आंच खूब तेज़ रखी हुई है मैंने, और इसको खूब तेज़ आंच पे मैं पकाऊंगी। ये देखें, फ़ौरन पकना भी शुरू हो गया क्योंकि आंच बहुत तेज़ है इसकी।
इसमें क्योंकि हमने मीट अंडर राइटर डाला हुआ है तो हमें गोश्त गलाना नहीं है, बहुत पतले पतले हैं, बहुत मोटे भी नहीं है, बहुत पतले भी नहीं है। ये देखिए नाजिन, जो मैंने पहला डाला था वो देखिए कितना अच्छा ये सीख गया है। मैंने अपने अक्सर वीडियोस में ये बात बताई है कि अगर हम गोश्त को हल्की आंच से ज़्यादा देर पकाते हैं वो जूसेस रिलीज कर देती है, तो आप इसको तेज़ आंच से पकाएं तो इसके जूसेस कहीं लॉक हो जाएंगे। तो देखें कितने खूबसूरत ये सीखे हैं, और ये क्योंकि बहुत पतले थे, काफ़ी पतले थे, तो ये नहीं कि ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, मोटे मोटे होते हैं तो वो जो है कच्चे रह जाते हैं। बहुत पतले मत कीजिएगा वरना ये टूट जाएंगे। अब ये आँच तेज ही है, फुल आँच है मेरे चूल्हे के ऊपर। लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार किस्म के चपली कबाब तैयार हैं। इसके साथ आप रायता थोड़ा सा बना लें, बहुत पतला ना कीजिएगा, थोड़ा थिक सा रायता, प्याज। मैंने इसमें ऊपर से टमाटर नहीं लगाया था ना, मुझे कुछ वो जो जल जाता है फ्राई होते हुए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ऊपर से इसे डेकोरेट कर दिया। आप जब सर्व करें किसी को तो इस तरह भी कर सकते हैं, बगैर इसके भी ये कोई ऐसे बुरे नहीं होते। आप इसको चपाती के साथ, पूरी के साथ, तंदूरी नान के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही लजीज होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये ट्राई करेंगे और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को, मेरी इस रेसिपीज़ को आप लाइक करें। कोई सजेशन है या कोई चीज़ आपको सीखनी है तो ज़रूर बताइए कि आप ये सीखना चाहते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। ये रेसिपी मेरी और रेसिपीज़ की तरह बहुत इजी है, थोड़ी सी लेंदी ज़रूर है क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत चलते हैं, तो उस हिसाब से, वरना एज सच कोई इतना हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं थी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि, और साथ में जो बेल आइकॉन आता है उसको भी क्लिक करें ताकि मैं जैसे ही मैं कोई रेसिपी अपलोड करूंगी तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह आप लोग लूप में भी रहेंगे क्योंकि मैं मुस्तकिल बहुत अच्छी अच्छी और जल्दी जल्दी रेसिपीज़ डाल रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।